नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ विशाल मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, खबर पीलीभीत से है। पीलीभीत में आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर बाइक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में सिटी मजिस्ट्रेट और एसडीएम ने हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया। बाइक तिरंगा रैली का आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर स्थित गांधी सभागार में किया गया। अगली खबर फतेहपुर से है, जहां जिले में यमुना नदी में डूबी नाव की खबर सुन पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं लापता हुए लोगों के परिजनों से मिलकर उनका ढांढस भी बढ़ाया। साथ ही मंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि लापता लोगों की रेस्क्यू टीम खोज करे। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने जिले के अधिकारियों को निर्देशित किया कि पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाए। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में खासा आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। ये इस एरिया की कानपुर और अमीर फतेहपुर और बांदा की ये बहुत बड़ी दुर्घटना है, और अभी ये भी नहीं पता लग रहा कि सिर्फ फतेहपुर और बांदा के अकेले हैं, और कहीं के भी हो सकते हैं। जब 30-40 लोग थे जिसमें, अभी मैंने लखनऊ भी बात करी है, प्रयागराज भी बात की है, बड़े स्टीमर जो होते हैं उनको भेजे हैं बड़ा जाल लेकर। आश्चर्य है कि नौका नहीं मिल पा रही। नौका मिल जाए तो पता चले कि नौका किस जगह, फिर डेड बॉडी कहाँ गई। अभी मैंने उनको लगाया कि ये जहाँ गांव वाले लोगों ने कहा थी डेड बॉडी उधर मिली थी, कल जो डेड बॉडी मिली है उधर ही मिली थी, तो आज नौका है उधर गई। हमारे डीएम और एसपी महोदय ने इधर पूरा किशनपुर वगैरह जहाँ जहाँ लगाया जा सकता है नौका भी लगी है, जाल भी लगा हुआ है, क्योंकि जवाबदेही ज़्यादातर बांदा जनपद की थी। बताना चाहिए इनको, बताना चाहिए कि आपका हमें सहयोग चाहिए। ये फतेहपुर और बांदा का मैटर नहीं है, ये आम जनता का मैटर है, और ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। मैं देख रही थी कि एक महिला किसी की बच्ची को लेके कूद पड़ी कि मैं बचा लूंगी। सोनभद्र में बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने युवक को मारी गोली। युवक को गोली लगने के बाद इलाके में मचा हड़कंप। बता दें कि पन्नूगंज थाना क्षेत्र के सफरीपुर गाँव निवासी महेंद्र पासवान पुत्र पारसनाथ को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। दरअसल बाइक सवार तीन बदमाशों ने पहले युवक को रोका और फिर गोली मार दी। मौके पर पहुंची पुलिस युवक को जिला अस्पताल में ले गई, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। अगली खबर कन्नौज से है, जहां एसएसपी डॉक्टर अरविंद कुमार की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं सदर कोतवाली से नगर क्षेत्र में तिरंगा यात्रा को निकाला गया, जिसके बाद हाथों में तिरंगा लहराते पुलिस के जवानों को देख आम जन में भी राष्ट्रभक्ति नजर आई, जहां शहरवासियों ने तिरंगा यात्रा का फूल बरसाकर स्वागत किया। अगली खबर रायबरेली से है, जहां पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के निर्देशन में अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, जिसके बाद आज एसओजी टीम और नगर कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने अंतरजनपदीय गाड़ी चोरी करने वाले गैंग के दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 5 चारपहिया वाहन भी बरामद किया है। रजत शर्मा जो लखनऊ के रहने वाले हैं और जिनके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी है, उनको गिरफ्तार करके उनकी निशानदेही पे 5 लग्जरी कार्स आज बरामद की गई है, जिनकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 1 करोड़ रुपये के आसपास है। इन कारों में एक फॉर्चुनर, एक i20, क्रेटा, वर्ना और ये 5 गाड़ियां हैं जिनको बरामद किया गया है। ये अलग अलग जगहों से चोरी करके, और जो पुराना प्रोसेस मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, उसका इंजन नंबर और उसका चेसिस नंबर टैम्पर करके, रजिस्ट्रेशन नंबर बदल करके, ये गाड़ियों को दूसरे ग्राहकों को दे करके और उनसे पैसे ले करके अपना काम चलाते हैं। इस कड़ी में अभी कुछ और लोगों के पकड़े जाने की बात अभी शेष है, 5 अभी शेष है, जिसमें से 2 व्यक्ति जेल में हैं जिनको वारंट भी अपने यहाँ लिया जाएगा, बाकी 3 व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इन व्यक्तियों की गिरफ्तारी से और भी गाड़ियों के बरामद होने की संभावना है। इस टीम जो कोतवाली पुलिस और एसओजी के ज्वाइंट ऑपरेशन में जिस टीम ने काम किया है, उसको मेरी तरफ से 25,000 रुपये का इनाम दिया गया। अगली खबर हरदोई से है, जहां मशहूर कलाकार राजू श्रीवास्तव के जल्द स्वास्थ्य होने की कामना की गई है। बता दें कि कलाकार राजू श्रीवास्तव को दिल का दौरा पड़ने के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया था। उनकी सेहत में जल्द सुधार हो और वो फिर हरदोई आए, इसको लेकर के लोगों ने दुआ मांगी है। दरअसल हरदोई में राजू श्रीवास्तव कई बार आए हैं और लोगों को उनसे गहरा लगाव है।
हिंदुस्तान के मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव साहब बहुत बीमार हैं, एम्स में भर्ती हैं, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हम लोग उनकी बीमारी से बहुत दुखी हैं, क्योंकि वो व्यक्ति हम सबको हंसाने वाले थे। बीमार को अपनी हंसी से हंसाकर सही करने वाला व्यक्ति आज स्वयं बीमार है। इसके लिए हम लोगों ने अल्लाह पाक से दुआ की है, दरख्वास्त की है कि राजू कॉमेडियन जो हमारे हम जिनके फैन हैं, दीवाने हैं, वो जल्द से जल्द सही हों और दोबारा कॉमेडियन की दुनिया में आकर बीमार को सही करें, हम सबको हंसाएं, जो टेंशन में हैं उनकी टेंशन दूर करें। खबर संभल से है, जहां एक किसान की हत्या का मामला सामने आया है, जहां किसान का धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी गई है। घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना पाकर पहुंची पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम ने हत्या की जांच कर रही है। ये मामला चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के अंबेडकर नगर छात्रावास के पीछे का बताया जा रहा है। अगली खबर बांदा से है, जहां यमुना नदी में नाव पलटने के मामले में 33 लोगों को जिला प्रशासन ने सूची बनाई थी। वहीं पुलिस वेरिफिकेशन के बाद 33 लोग नाव में सवार नहीं थे। दरअसल पुलिस वेरिफिकेशन में 5 लोग घरों में सुरक्षित पाए गए। बता दें कि एक ही व्यक्ति की सूची में 2 बार नाम दर्ज किया गया है, जबकि NDRF की टीम ने 13 लोगों को नदी से सुरक्षित निकाला था। वहीं नाव हादसे में अब तक 11 शव बरामद कर लिए गए हैं। 4 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। मौके पर आपदा दल टीम 4 लापता लोगों की तलाश कर रही है। ये जो घटना हुई थी, जिसमें क्या एक नाव जा रही थी और जो कि पलट गई थी, उसमें अभी तक की जो लेटेस्ट पोजीशन वो ये है कि इसमें हम लोगों को 17 लोग हम लोगों ने बरामद कर लिए हैं। वो सकुशल हैं, उनकी स्थिति बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा 11 लोग टोटल, उनकी डेड बॉडीज रिकवर कर ली गई हैं। 3 लोगों की डेड बॉडी पहले ही दिन रिकवर हो गई थी। इसके अलावा 8 लोगों की डेड बॉडी आज रिकवर हुई है। मोस्ट ऑफ द लोगों की डेड बॉडीज़ जो हैं वो हमारे बॉर्डर जो फतेहपुर पड़ता है, फिर किशनपुर एरिया में और असोथर एरिया में डेड बॉडीज़ मिली हैं। इसके अलावा अभी 4 लोग ऐसे हैं जो मिसिंग हैं। तो टोटल अभी का जो एस्टिमेट हम लोगों का, उसमें 32 लोग थे। आज उनके पिताजी आए हैं, तो उनके खाते में पैसा हम लोग नया खाता खुलवा देंगे। जो अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं, जो बता रहा हूँ 4 हैं, तो ये 4 की संख्या भी बढ़ सकती है, क्योंकि एग्जैक्ट संख्या हमारे पास नाव में सवार होने वाले की नहीं है। हमारे पास जो हम लोग जहाँ जहाँ सूचना मिली उसको जोड़ते घटाते हुए 32 आज की संभावित संख्या है। जो संख्या घटी बढ़ी है लापता की, उसमें 2-3 नाम, जैसे फुलवा पत्नी राम प्रसाद और फुलवा पत्नी मुन्ना, ये कई लेडीज़ थी। पति का नाम अलग अलग लोगों ने लिखा दिया था, तो अलग अलग दर्ज थे। है वो केवल फुलवा पत्नी राम प्रसाद, उसके पति का एक दूसरा नाम गांव बुलाने मुन्ना था, तो लोगों ने 2 नाम लिखा दिए इस तरह। और इसी तरह से 2 बच्चे हैं, उनका एक बच्चा है, उनका नाम महेंद्र और क्या कहते हैं महेंद्र। और खबर फिरोजाबाद से है, जहां हर घर तिरंगा के होर्डिंग से सीएम योगी के चेहरे पर शरारती तत्वों ने छेड़छाड़ की है। दरअसल होर्डिंग से सीएम योगी आदित्यनाथ का चेहरा किसी ने काट दिया है। बता दें कि आधा दर्जन से ज्यादा होर्डिंग से सीएम योगी का चेहरा काटा गया है। इस घटना के बाद से बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल में जुटी हुई है। खबर दिनेशपुर से है, जहां नगर पंचायत दिनेशपुर ने आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाला। बता दें कि तिरंगा यात्रा का शुभारंभ चितरंजन राजकीय इंटर कॉलेज के समक्ष से किया गया। वहीं तिरंगा यात्रा नगर के कई वार्डों से होकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक पर समाप्त किया गया, जिसमें पूर्व कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे भी मौजूद रहे। इस दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर पूर्व मंत्री अरविंद पांडे ने माल्यार्पण भी किया। अगली खबर लक्सर से है, जहां आजादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा के तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तिरंगा यात्रा निकाली, जहां बीजेपी से हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के दौरान लक्सर नगर वासियों ने तिरंगा यात्रा पर फूल बरसाकर स्वागत किया और देशभक्ति गानों और हर घर तिरंगा से पूरा शहर गूंज उठा। Thank you.
बच्चा बच्चा आज सड़कों पर हजारों की तादाद में आज भारत माता की जय जयकार के नारों के साथ तिरंगा को हाथ में लिए लोग सड़कों पर हैं, घर घर से निकले हैं। ये भारत की एकता है। देश की आज़ादी से पहले जिस तरीके का जुनून था, आज आज़ादी के 75 वर्ष के बाद फिर भारत माँ के प्रति वही जुनून पैदा हुआ है। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आप अगली सदी हिंदुस्तान के पूरी दुनिया में, और आज वो दिख रहा है। ये जो तिरंगा है, ये हमारा मान है, स्वाभिमान है, अभिमान है, ये हमारी पहचान है, ये देश की पहचान है। और इसलिए हर घर में तिरंगा, हर दिल में तिरंगा, घर घर में तिरंगा, गली गली में, घर घर में, दिल दिल में तिरंगा। और आज ये होता हुआ दिख रहा है। कौन व्यक्ति आज ऐसा है जिसके हाथ में तिरंगा नहीं है, जो अपने को इस आज़ाद भारत का, भारत माँ का सपूत न महसूस कर रहा हो। इसमें कोई दो राय नहीं कि देश की आज़ादी के बाद पहली बार जुनून के साथ लोग देशभक्ति का उमाड़ आया है। फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।